साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हमने चिप्स बनाई हैं आज। देखिए कितने स्वादिष्ट दिख रही हैं, कितनी फूली फूली बनाई हैं, करारी करारी। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा बाज़ार में भी मिलता है, आप घर पर भी बना सकते हैं। इसमें मुझे 4 चम्मच बेसन डालना है, 2 चम्मच और डाल देंगे, 1 और डाल देंगे। मेरी 4 चम्मच बेसन हो चुका है। 1 चम्मच मुझे मैदा डालनी है, इसको मिक्स कर लेना है। हमारे चावल के आटे में बेसन और मैदा मिक्स हो जाए अच्छे से। हमारे चावल के आटे में मैदा और बेसन मिक्स हो चुका है। अब हमको गैस पर बर्तन रख लेना है। इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे, गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। हमको 1 ही कटोरी पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था उसी से हमको पानी डालना है। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच तेल डाल दिया है। इसको गर्म होने देते हैं। मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे, इसको हम चला देंगे। चला देना है हमको, ये छोड़ना नहीं है, अच्छे से चला देना है। इसमें क्या है कि चावल की गुठलियाँ ना पड़े, इसलिए हमको ये चला देना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और पानी हमें इसमें डालना नहीं है। मैंने भगोने में बनाया है, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसको चला, अब मैंने गैस को कम कर दिया है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए मेरे जो मैंने पानी डाला था आटे ने पूरा पानी सूख लिया है, एकदम ऐसा लग रहा है सूखा सूखा सा, लेकिन आपको पानी इसमें और नहीं डालना है। मेरा बन चुका है, गैस मैंने बंद कर दी है। इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं, सबको निकाल लेंगे बर्तन में। बर्तन में सारे को निकाल लेना है। अब इसको ढक देना है 10 मिनट के लिए। मेरी 10 मिनट पूरी हो चुकी हैं। अब इसको हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी दोबारा से नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लिया था, इससे जो अच्छे से और बढ़िया से बनकर तैयार हो जाए। मेरा गरम है, ये गरम गरम ही हमको ये मिक्स करना है। कितना बढ़िया बनकर आया है मेरा, ये बर्तन में भी नहीं चिपक रहा है और हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। अच्छे से हमको इसमें मुट्ठी लगा करके ये तैयार करना है। जैसे कि हम आटे को मारते हैं, इसी तरह से हमको ये मारना है। बहुत बढ़िया बन करके मेरा चावल का आटा तैयार हुआ है। चलिए कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं हम। सारा तेल डाल लेंगे। अब इसको गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हमको दूसरा काम करना है। मेरा तैयार हो चुका है। चलिए अब हमको इसकी लोई बना लेनी है। हमको ऐसे ही गोल गोल लोई बनानी है। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। जो मैंने थोड़ा सा आटा पहले से बचा करके रख लिया था चावल का, इसमें हमको लोई को लगा लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे ही ये हमको घुमा घुमा करके बेल लेनी है। बिल्कुल चकला के बराबर की कर लेनी है, ये कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होगी, बिल्कुल बड़ी सी कर लेनी है। जितना बड़ा हमारा चकला है हमको इतना ही बड़ा इसको बेल लेना है। घुमा घुमा करके चारों तरफ से हमको गोल गोल बेल लेनी है। ये
मेरी देखिए कितनी बढ़िया से बिलकर तैयार हुई है। हमको ये किनारों से निकाल देनी है, चारों तरफ से, इधर से भी निकाल देनी है, चारों तरफ से हमको ये जैसी शेप दे देनी है इसमें। अब हमको ये आटा निकाल हटा देना है चावल का, जितना हमने ये काटा है किनारों से उसको हमको हटा देना है। अब हमको ये डिजाइन दे देनी है एकदम, आप कैसे भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे वैसी दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन दे सकते हैं आप। मैंने एकदम बर्फी की सिप शेप दी है इसकी। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक एक पीस करके हमको ये हटा देनी है। देखिए कितनी सरल से निकल रही है, और आप ऐसे भी पलटा से भी निकाल सकते हैं, पलटा से कितनी सरल से निकल रही है ये। हमारे सारी चिप्स तैयार हैं, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इनमें एक एक करके डालना शुरू करते हैं। हमको ऐसे ही एक एक करके सारी चिप्स तेल में डाल देनी है, आराम से डालनी है, हमारा हाथ भी न जले देख के डालनी है, ऐसा नहीं है कि हाथ जल जाए, और उतनी ही डालनी है जितनी इसमें तेल में आ सके, ज़्यादा नहीं डालनी है। देखिए हमारी चिप्स कितनी फूल फूल कर तैयार हो रही हैं, फूली फूली चिप्स बन रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी बन रही हैं, फूली फूली बहुत बढ़िया बनकर आ रही हैं एकदम। कितनी डिजाइन भी अच्छी दी है हमने, एकदम काजू की बर्फी जैसी डिजाइन है इसकी। हमको ये पलट देनी है, ऐसे ही पलट देनी है एक एक करके सावधानी से, बहुत हल्के हाथ से पलट देनी है ये। बहुत बढ़िया बनकर आ रही हैं अपनी चिप्स। अगर आपको हमारी चिप्स पसंद आई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए हमारी बातों ही बातों में चिप्स भी तैयार हो चुकी हैं, आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपकी चिप्स कैसी बनी। आपने देखा ही होगा बच्चे बाहर से कुरकुरे खरीद कर लाते हैं, कैसे कैसे तेल में सिके होते हैं वो, इसीलिए मैं ये बच्चों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत बढ़िया है ये, आप एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया घर पर बनाएं बनाएं और खाएं। हमको ये सारी चिप्स निकाल देनी है और टेढ़ी करके निकालनी है ये, इससे क्या है कि हमारा ये ऑयल इसमें ना आए। देखिए कितनी बढ़िया है, जो भी बची हैं उनको भी हम डाल देते हैं, इनको भी हम ऐसे ही सेकेंगे जैसे कि हमने पहले सेकी हैं, सबको डाल देनी है ये एक एक करके। देखिए ये भी बनकर तैयार होने ही वाली हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी सेक कर तैयार हो जाती हैं। और आपको और भी किसी भी चीज़ की रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो रेसिपी भी लेकर आऊँगी। देखिए बातों ही बातों में मेरी चिप्स तैयार होने ही वाली हैं, पलट पलट कर हमको ये सेक देनी है, कितनी बढ़िया बनकर आई हैं ये करारी करारी। मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है, अगर आपको ये 4-6 दिनों के लिए रखनी है बनाकर तो आप एक चुटकी इसमें सोडा डाल सकते हैं, इससे क्या है कि करारी बनी रहेंगी ये। इसीलिए मैंने तो घर के लिए बनाई है तो मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है, तो ये 2-4-6 दिनों के लिए आराम से रखी रहेंगी, सीलेंगी नहीं है, सर्दी का मौसम है तो ये सील सकती हैं। अभी हमको मसाला भी बनाना है इनका, आप कैसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं आप, रूखे भी खा सकते हैं और हर तरह से अच्छे लगते हैं। देखिए मेरे बन चुके हैं ये, इसको हम निकालना शुरू करते हैं, सबको निकाल लेने हैं है हमें टेढ़े कर करके, टेढ़ा करके निकालना है हमको ये,
चलिए हम आपको प्लेट में रखकर दिखाते हैं। आधी चम्मच मैंने नमक डाला है, चारों तरफ डाल देना है हमको। आधी चम्मच मिर्ची डालनी है, इसको भी हमको चारों तरफ डाल देना है। आधी चम्मच मैंने किचन किंग डाला है, इसमें चाट मसाला डाला है आधी चम्मच। अब इसको मिक्स कर देना है, दोनों हाथों से पकड़ के बर्तन को मिक्स कर देना है इसको। इससे क्या है कि सारे मसाले हमारे चिप्सों में मिक्स हो जाएं। ऐसे ही कर देना है, घुमा घुमा करके जो भी हमने मसाले डाले हैं वो मिक्स हो जाएं। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप कम या ज़्यादा खाएं अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए मैंने दोनों हाथों से मिक्स कर दिए हैं चिप्सों में मसाले, कितने बढ़िया बन करके आए हैं। बहुत सब मिक्स हो चुका है हमारा मसाला, बहुत बढ़िया करारी करारी बन करके आई हैं ये। देखिए कितने सुंदर बन करके हमारी चिप्स आई हैं, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। देखिए मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कितनी करारी हैं ये। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।